आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर NHM में जो वैकेंसी आई हुई है, नेशनल हेल्थ मिशन में, झारखंड सरकार के द्वारा जो है ये वैकेंसी लाई गई है। काफी बड़ी 1141 पद पर वैकेंसी आई हुई है, उसी का अप्लाई कैसे करना है उसकी रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग को अप्लाई करने के लिए उसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है JRHMS.SAMSHRM.com में जाना है। इसमें हम लोग क्लिक करना है। देखिए ये अप्लाई का जो है होम पेज अप्लाई ओपन हो गया है। इसमें हम लोग को जो यहाँ पे सबसे पहले जो करना है रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है यहाँ से हमको लॉगिन करना होगा, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे फुल्ली शुरू से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग का यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे देना होगा, जैसे फुल नेम, जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट में जो नाम है वो पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जेंडर चूज करना है, उसके बाद जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर चूज करना है, ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है इस साइट का। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है 2+6 दिख रहा है क्या होगा, ये यहाँ पर आंसर देना है। इसको भर के जो है साइन इन में क्लिक करना है। तो मैं इसको जल्दी से भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे इसको करना है। तो यहाँ पर मैंने सारा जो फॉर्मेट है ये फिल कर लिया है। अब साइन इन में हम लोग क्लिक करेंगे। साइन इन में जैसे क्लिक करेंगे अगला पेज हमारा ओपन हो गया है। मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पर कंफर्म करने बोल रहा है मोबाइल नंबर को। तो यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर जो है वो हम लोग को एंट्री कर देना है। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर एंट्री कर दिया है, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारा जो ये रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली जो है यहाँ पर हो गया है, ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए सारा चीज यहाँ पर ओपन हो गया, जितना भी पद में वैकेंसी निकला हुआ है उसका यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ गया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है हमारा हो चुका है। अब हम लोग अगला जो प्रोसेस है उस पर हम लोग बात करेंगे। पोस्ट वाइज यहाँ पर लिस्ट आ गया, जितना भी तरह का यहाँ पर पोस्ट निकला हुआ है, 88 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है अलग अलग, जिसका की वैकेंसी सीट है। यहाँ पर देखिए सारा का यहाँ पर आ गया है, आवेदन करें, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया है। आज हम लोग यहाँ पर जो अप्लाई करने वाले हैं ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो है DPM NHM जो है, इस पे हम लोग ये 76 नंबर पर हैं। देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना होगा, उसके बाद जो अप्लाई करना होगा वो अलग अलग आपको यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर पर अप्लाई करेंगे। इसमें जो है PG चाहिए, PG के बाद इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसमें जो है 2 साल का यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए DPM में। तो आज हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आवेदन करें जो दिख रहा है उसके जो सीधा में है उसमें हम लोग क्लिक करेंगे, आवेदन करें में। जैसे ही आवेदन करें में क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये पर्सनल यहाँ पर डिटेल्स हम लोग को भरना है, जो कि यहाँ पर ओपन हो चुका है। जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर हस्बैंड नेम हो गया, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है प्रूफ यहाँ पर देना है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है 10th पार्ट सर्टिफिकेट जो है या फिर मार्कशीट जो है आपका, वो डेट ऑफ बर्थ का जो है सर्टिफिकेट के तौर पर आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये यहाँ पर अटैच कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के हिसाब से। यहाँ पर देखिए वर्तमान पता देना है, आधार नंबर देना है, स्थायी पता देना है। ये सारा चीज देने के बाद राज्य, जिला, कैटेगरी, उसके बाद हैंडीकैप है कि नहीं, आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, यस नो करना है। ये करने के बाद सबमिट करना है। तो मैं ये जल्दी से इसको भर लेता हूँ, फिर आगे का मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। पर्सनल डिटेल्स में मैंने सारा चीज फिल कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर नीचे सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पर नया पेज एक ओपन हो जाएगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स हम लोग को यहाँ पर फिल करना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर 10th का देना होगा डिटेल्स हम लोग को, फिर 12th का देना होगा, फिर यहाँ पर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का देना होगा। यहाँ पर सारा चीज़ हम लोग को देना होगा। अब इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे 10th में क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए 10th का जो है यहाँ पर खुल गया है ऑप्शन। जैसे सबसे पहले यहाँ पर कोर्स नेम 10th दिखा रहा है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपका मोड क्या था, उसका फुल टाइम था, कॉरेस्पॉन्डेंस था, क्या था, ये फुल टाइम होगा। उसके बाद इसका बोर्ड क्या है, उसके बाद कहाँ से आप पास किए हैं, झारखंड से किए हैं, कहाँ से किए हैं, जैसे मान लीजिए झारखंड से किए हैं। उसके बाद कोर्स डेट,
कोर्स स्टार्टेड डेट, कोर्स एंड डेट, इसमें आप जो आपका मार्कशीट रहेगा उससे 1 साल पीछे का डेट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है अंकन प्रणाली, आपका क्या है, परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है या जीपीए है, तो जो रहेगा आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अंक प्रतिशत देना है और यहाँ पर समतुल्य अंक प्रतिशत देना है। ये दोनों देने के बाद जो है यहाँ पर मार्कशीट आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। ये अटैच करके जो है एड में क्लिक करेंगे। इसी तरह से देखिए आपका 12, 12th का, उसके बाद पीजी का, ये सभी का यहाँ पर एक एक करके आपको ऐड करना होगा। तो इसको मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ, फिर आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को प्रोसेस। यहाँ पर एजुकेशन जितना भी डिटेल्स मैंने सारा डाल दिया है। यहाँ पर जो मॉडिफाई दिख रहा है इसमें जाकर आप चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर देखिए मैट्रिक, इंटर और पीजी का डालना है, और नीचे जो है ये तीनों को छोड़ के अगर एडिशनल आपका जैसे कंप्यूटर का डिग्री है या और कोई डिग्री की है वो सब भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर आ जाएगा एक्सपीरियंस का। यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर पूछ रहा है आर यू करेंटली वर्किंग विथ एनएचएम, अगर आप काम करते हैं तो यस करेंगे। जैसे यस करेंगे आपको यहाँ पर उसका जो यहाँ पर बोल रहा हैव यू कम्प्लीट 3 ईयर ऑफ वर्क टेन्यूर इन द सेम पोजिशन विथ एनएचएम झारखंड डीपीएस, प्लीज प्रोवाइड प्रूफ ऑफ कम्प्लीशन ऑफ दिस ऑफ 3 ईयर्स ऑन ऑफ द सेम पोजिशन इन एच एम। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे हम इसमें यस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि 3 साल आपका एनएचएम में काम करके अगर हुआ है, अगर हुआ है तो उसका आप प्रूफ दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अगर काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, इसको नो करेंगे वो हट जाएगा। अब यहाँ पे एक एक करके यहाँ पर जो है डू यू हैव मिनिमम 3 ईयर वर्क पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन सोशल फील्ड, तो यहाँ पर हम लोग को यस करना होगा। यस करेंगे तभी हम लोग को आगे बढ़ना है। और यहाँ पर देखिए नीचे ऐड न्यू एक्सपीरियंस डिटेल्स है, यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पर देखिए एक बॉक्स आ गया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो प्रकार क्या है, मतलब प्राइवेट है, पब्लिक है, पब्लिक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट है या फिर अदर है, तो यहाँ पे इसको चुन लेंगे। फिर उसका इंडस्ट्री का नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे पद लिखना है, कब से आप काम कर रहे हैं, कब तक काम किए हैं, यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपका, क्या क्या आपने काम किया है, और यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र आपको जो है यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा और ऐड करना होगा एक एक करके। तो इसको मैं जल्दी से भर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक्सपीरियंस डिटेल जो है एक एक करके मैंने यहाँ पे सारा फिल कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखिए टोटल जो आपका एक्सपीरियंस मंथ रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे जो है आपका वो यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएस ऑफिस का आपको और इंटरनेट का यहाँ पर नॉलेज है कि नहीं, तो इसको यस कर देना है। इसको यस नहीं कीजिएगा तो फिर आपका शॉर्टलिस्ट इसमें नहीं होगा, तो इसका आपको नॉलेज होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस में देखिए आपको जो काम किए हुए हैं, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना पड़ रहा है इसमें, और जैसे शीट्स में आप लोग लिखे थे 50 वर्ड में उसी तरह से यहाँ पर वर्ड तो नहीं लेकिन आपको जो आपका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम का वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये करने के बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट टू प्रोसीड में क्लिक करेंगे। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए जॉब लोकेशन हमको यहाँ पर चुनना होगा। यहाँ पर जॉब लोकेशन जो यहाँ पर दे रहा है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल एट एचएनएम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ये ऑटोमेटिक देखिए आपका फ्रीज रहेगा, यहाँ पर ये फ्रीज है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको कंफर्म एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करेंगे फिर से। अब यहाँ पर हम लोग को 3 चीज यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद जो है फोटोग्राफ का जो साइज है वो 100 KB या उससे नीचे का होना चाहिए। उसके बाद जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका वो यहाँ पर अटैच करना होगा, मतलब निवासी प्रमाण पत्र। ये 3 चीज अटैच करना होगा। नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो ये 4 चीज जो है यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। पहले हम लोग मार्कशीट और एक्सपीरियंस ये सारा चीज अटैच कर चुके हैं, वो एजुकेशन और आपका जाके एक्सपीरियंस डिटेल्स में। अब हम लोग को यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल और कास्ट, ये 4 चीज अपलोड करना होगा। तो इसको जल्दी से अपलोड कर लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे सारा चीज जो है अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर अपडेट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपडेट हो रहा है हमारा सिग्नेचर, फोटो, सारा चीज। देखिए अब यहाँ पर सारा चीज मेरा हो गया है। यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स मैंने डाल दिया, क्वालिफिकेशन डाल दिया, एक्सपीरियंस डाल दिया, प्रिफरेंस डाल दिया, इमेज एंड डॉक्यूमेंट जो है मेरा अपलोड हो चुका है। अब फाइनल यहाँ पर देखिए सबमिशन यहाँ पर मांग रहा है, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि
कि जो भी डिक्लेरेशन होता है, फॉर्म जो भरे हैं वो सही भरा गया है, और इसमें जो भी डिटेल्स है वो मेरे द्वारा जो है सभी सत्य दिया गया है। ये यहाँ पर डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में टिक करके जो है हम लोग कन्फर्म एंड सबमिशन अप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू अप्लीकेशन दिखा रहा है, इस पे हम लोग क्लिक करके जो है पूरा अप्लीकेशन का जो है प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो मैंने डाला है क्या डाला है, कैसे डाला है, वो सही डाला है कि नहीं, सारा चीज हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद जो है फाइनल सबमिशन आपको क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में क्लिक कीजिए और कन्फर्म एंड सबमिट अप्लीकेशन में क्लिक जैसे करेंगे, फाइनल इसमें ध्यान दीजिएगा, फाइनल जब होगा तब इसमें क्लिक करना है। इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सारा चीज यहाँ पर कि आप ठीक से भरे हैं कि नहीं, ये पूरा डिटेल्स पूछ रहा है। इसको ओके में क्लिक करेंगे, जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे ये हमारा देखिए एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि इस एप्लीकेशन को जो है आप लोग प्रिंट करके रख लीजिए, एक मैसेज भी आ चुका है मेरा ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर में अप्लाई किया है, ये इसका जो रेफरल कोड भी यहाँ पर नंबर आ चुका है 2041, और इसका प्रिंट एप्लीकेशन में जाकर जो है आप एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लीजिए। अब इसी तरह से जो है आपको दूसरा पोस्ट में अगर अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर मोर पोजीशन में जाकर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट में जो है एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप लोग अलग अलग जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स है इसका, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जरूर है इसका, लेकिन आप लोग आराम से कीजिएगा, हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।